ला और नहीं तो कंप्लीट सरेंडर कर दे, कंप्लीट ये आधी अधूरी बात ना कर। इन बातों के साथ मैं एक और प्रार्थना करना चाहूंगा, कुछ साथियों को बता रहे कि हमने मोर्चा का इस तरह करना चाहिए, कुछ साथियों को बता रहे इस तरह करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज है? सबसे महत्वपूर्ण यह चीज है कि आज जिस तानाशाह के सामने को बोलने की हिम्मत नहीं रखता था, जिस तानाशाह ने जब जवाब निकाली तो इसका जवाब नहीं देता था, आज हिंदुस्तान के अंदर मात्र संयुक्त मोर्चा एक ऐसी ताकत है जिनने सामने खड़े होकर के इनके हर सवाल का जवाब दिया। आज मेरी संयुक्त मोर्चा के लीडरों से भी प्रार्थना है, हमें बटना नहीं है, जब निर्णय लेना हमें एक नक्शे लेंगे, अपनी तरफ से कोई भी साथी अलग से फैसला ना ले, ये भी हमारी प्रार्थना है। जो भी फैसला लेंगे, क्योंकि एक बात याद रखना भाइयों, यह सरकार किसी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों में से शामिल नहीं है, यह संघी लोगों की सरकार है। आप लोगों को पता नहीं है संघी किसे कहते हैं, चौधरी चरण सिंह से जमाने में कहा गया था कि ये संघी कौन होते हैं, उन्होंने कहा एक छोटी सी प्लान याद रखो, संघी कौन होते हैं मैं बताता हूं। मेरे हाथ में लाठी हो और मेरे सामने एक आरएसएस का संघी खड़ा हो और एक मेरे सामने काला सांप खड़ा हो, मैं सबसे पहले संघी को मारूंगा, क्योंकि वो देश के लिए खतरा है, सांप मेरे अकेले के लिए खतरा है। अगर संयुक्त मोर्चा में फूट पड़ गई, संयुक्त मोर्चा अपनी अपनी भाषा बोलना शुरू कर दिया, तो याद रखना 6 महीने के अंदर आपके अंदर वही स्थिति पैदा कर देंगे लोग। आपने एक बार बना के रखना है, जब निर्णय लेना कमेटी से होना चाहिए, जब निर्णय लेना है एकता से होना चाहिए, कोई अलग अलग एक एक लीडर अलग भाषा ना बोले, वरना आपके अंदर फूट डाल करके आपको घर भेज दिया जाएगा और उसके बाद आपके ऊपर वही कानून भी लागू होंगे, आपकी कोई भी मांग नहीं मानी जाएगी, 6 महीने में आपकी सारी बातों से निपट जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात नहीं, माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी का। हम मैं बेनती करता संजीव सिंह जी फूल, डीके जी क्रांतिकारी, उन्होंने तो बाद इंद्रजीत सिंह जी कोट बुढ़ा, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब के सूबा प्रधान त्याग है इंद्रजीत सिंह जी कोट बुढ़ा। उस तो पहला एक मैं पहला भी सूचना दिती सी, एक गड्डी आ जिहदा नंबर PB12O0105 तो मैं अग सिंघां दे डेरे दे मूहरे खड़ी आ, जरूर नोट कर लो गड्डी दा नंबर PB12O0105। सो जिहदी भी गड्डी आ जल्दी परे कर लो, फिर ना कहे तो कोई गल होई है। सो हुण फूल साहब मोर्चे के डटे मेरे बहादुर भरावों के भैरों, पहले बुलाओ फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भरावों सारे बुलाए ने कहा भैया जी 3 करोड़ वापस कराने वाली जित है, यह लोगों के एकते की जित है, लोगों की चेतना की जित है। लोगों की जित सुनने की गल है, तुसी पूरे 1 साल तो जी प्रधानमंत्री जी चुप सी, बहुत भारी चुप सी, वह चुप न तुड़वा के 3 करोड़ रिपीट करने इलाज करवाया, यह थोड़े इतने की जित है पहली। दूसरी बहुत होगा जब बैठे मैं देगा, मैं यह भी कहूंगा भाई लोगों ने अगवाई जी होंगी लीडर अगवाई करते होंगे, नेता लोग मोर्चे की अगवाई करते हैं,
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਮੂਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਫਤਾਰ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਰਫਤਾਰ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੂਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਝਾਕਦੇ ਆ ਮਗਰਲੀ ਫੌਜ 10 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਬੁੱਧਿਆ ਸਾਡਾ ਗਿੱਟਾ ਬੁੱਧਿਆ ਸਾਡੀ ਰਫਤਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ